बच्चों आज हम लोग एक गतिविधि करेंगे नरम और सख्त की वस्तुओं के साथ। किसके साथ? हाँ, वस्तुओं साथ। नरम मतलब होता है मुलायम, नरम का क्या मतलब होता है? मुलायम। जो चीज छूने पे दब जाए वो कैसी होगी? मुलायम है, यानी वो नरम है। क्या है? नरम। यस। और जो चीज दबाने पे भी ना दबे यानी वो सख्त है, कैसी है? सख्त मतलब कठोर। सख्त मतलब कठोर। तो ये शब्द समझ में आए सबको पहले? नरम मतलब क्या हुआ? नरम मतलब मुलायम, नरम मतलब मुलायम, और सख्त मतलब कठोर। सख्त मतलब कठोर। अब देखो ये क्या है बच्चों? कठोर है। क्यों? ये तो पत्थर है, अब हम इसे दबा ले रहे, कस कस के दबा रहे। क्या ये दब रहा है? नहीं। दब रहा है नहीं। यानी ये कैसा है? कठोर। अभी मैंने अपने बताया था जो चीज दबाने पे नहीं दबे वो कठोर या सख्त होती है, और जो दब जाए वो नरम होती है। अब देखो बच्चों, ये मैडम के पास ये देखो क्या है? रुई है। क्या है ये? अब हम इसको चाहे जितना दबा ले, जितना दबा ले, कैसे भी कर ले, क्या दब जाती है? और तुम लोग पता ही नहीं, घर में हम लोग इससे बाती भी बनाते हैं, दिए में डाले गए, तो हम जिसे इसे जैसे भी डालना चाहे डाल लेते हैं। तो ये क्यों दबती होगी? क्यों बताओ, कोई बताएगा? बताओ ये क्यों दब जाती है, बताओ। अभी हमने बताया था क्योंकि ये क्या है? यस, मुलायम है, इसीलिए तो ये दब गई। तो अब करना क्या? मैम ने ना यहाँ बहुत सारी चीजें रखी है, अब हम एक एक करके आप लोगों को उसे छूना होगा और छू के बताना होगा कि वो वस्तु नरम है या फिर सख्त। हाँ, नरम या सख्त, या फिर ये कह सकते हो कि मुलायम या कठोर। ठीक, तो अभी एक एक करके हम एक एक चीज देंगे, उसको छूना और फिर बताना। हाँ बेटा, ये बताओ, अब पहले कक्षा एक की फरानाज मेरे पास में बैठी है, अब वो छू के बताएगी, हम उसे हाथ में कुछ दे रहे हैं। ये है क्ले, इसको कहते हैं क्ले। अब बेटा इसको तुम दबा के देखो, ये तुम्हें कैसा लग रहा है? मुलायम, नरम लग रहा है ना? वेरी गुड। अब देखो कितना मुलायम है कि इसे कुछ भी करके मुलायम मुलायम से कुछ भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये क्ले कैसा है? और सुनो, घर में जो आटा होता है वो कैसा होता है? मम्मी गूंध कर आटा रखती है, तो वो भी तो मुलायम होता है, तभी तो रोटी बन जाती है। अगर वो सख्त होगा क्या बन जाएगी रोटी? नहीं बनेगी। वेरी गुड। हाँ, अब हम कक्षा दो, कक्षा एक के ही बच्चे जोया पास चलेंगे। जोया बेटा, ये पकड़ के बताओ ये कैसी लग रही है तुम्हें? मुलायम। कैसी लग रही है? मुलायम लग रही है, क्योंकि ये देखो ये इतनी सॉफ्ट है कि इसे कहीं से भी दबाओगे ये दब रही है। दब रही है कि नहीं दब रही है? तो ये तो नरम हो गई, मुलायम हो गई, नरम। कैसी है ये? मुलायम। हाँ, वेरी गुड। अब हम चलते हैं संदीप के पास। संदीप भी हमारी कक्षा एक का है। ये तो वैसे खिलौना है, ये तो दब जाएगा, बट तुम लोग को इसे मानना है कि असली का सिलेंडर है। असली का सिलेंडर सबने देखा ही है घर में। अब तुम लोग ये बताओ, मान लो असली का सिलेंडर हो तो क्या वो दब जाएगा? नहीं। वो संदीप, असली का सिलेंडर बताओ होगा तो वो कठोर होगा या नरम होगा? यस, वेरी गुड। क्योंकि सिलेंडर तुम जितना दबा ले यहाँ पे नहीं दबता है, तो वो कैसा हो गया? कठोर। अब लोहित दीदी बताएगा बोतल को छू के ये कैसी लग रही है? कठोर लग रही है। तुम बता देती है? नरम है, ये देखो दब रही है, ये देखो। और ये वाली छू के देखो, ये दब रही है क्या? नहीं। तो ये कैसी है? कठोर। ये कठोर है क्योंकि नहीं दब रही। और ये कैसी है? नरम। नरम। ये वाली कैसी है? ये वाली कठोर, क्योंकि वो आराम से दब रही है। अब कविता बताएगी इस गिलास को छू के, दबा के देखो ये क्या दब रहा है तुमसे? तो ये कैसा हुआ? नरम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैम के पास ना ये एक छोटा सा ट्यूब का टुकड़ा है, तो अब नैना इसको छुएगी और दबा के देखेगी ये दोस्त दब रहा है या नहीं। दब रहा है, तो ये कैसा हुआ? मुलायम यानी नरम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम मैक्सा को देंगे ये लकड़ी। मैक्सा, लकड़ी को दबा के देखो थोड़ा सा दब रही है क्या? तो ये कैसी हो गई? कठोर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब साधना, तुम ये पत्थर दबा के देखो हाथ से, दब जाएगा ये? स्टोन।
तो ये कैसा हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब दुर्गा ये पकड़ लो, ये बताओ ये नरम है सख्त है? वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अब अंशु मुझे बताएगा कक्षा में रखी हुई कोई चीज जो कि कठोर हो, कोई भी एक चीज बता दो। पेंसिल कैसी है? लोहे का तवा, वेरी गुड। डस्टर, वेरी गुड। लेकिन डस्टर का जो ऊपर वाला पार्ट है ना जिसमें हम काम करते हैं वो नरम है, लेकिन नीचे कुर्सी कैसी है? वेरी गुड। हाँ अब सुनो करना क्या काम है। अब तो हमें लग रहा है सबको समझ में आ गया है नरम कौन सी चीजें होती है कौन सी सब समझ में आ गया ना। अब काम मैम देती है करना क्या। अब आज आप लोग घर जब जाओगे तो मुझे ऐसी चीजों के कल नाम बताना जो आपके घर में नरम हो और जो आपके घर में कठोर हो। तो कल बता लोगे? यस मैम। सूची बना लेना, कुछ बच्चे नरम वाली बताएंगे और कल जब आओगे और कुछ बच्चे बताएंगे कठोर वाली जो तुमने घर में दबा के देखी थी और नहीं दबरी। हाँ इसी तरह से कल बताना। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी भी बैठे हैं।